बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब, ये जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल रहेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि आखिर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एक पार्टी है, हमें पॉलिटिकल पार्टी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इलेक्शन से पूरी तरह से बाहर हो जाए। ये सही बात है कि असद साहब ने एक प्रपोजल दिया था कि अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर वंचित बहुजन आघाड़ी को मान सम्मान देती है, प्रकाश अंबेडकर साहब को जो इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए वो इज्जत अगर देती है तो हम हट जाएंगे। लेकिन आज तक यह तय हो चुका है कि जो उम्मीदें, जो इज्जत बाड़ा साहब को मिलनी चाहिए थी वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये तो दिखा दिया है कि हम चार सीटें देंगे, आप चार सीटों पे लड़ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपने हमारे को हमारी हैसियत दिखा दी है कि हम चार सीटों के लायक हैं। आपने हमारी हैसियत दिखा दिए है, अब इंशाल्लाह हमारा मौका है, अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारी हैसियत कितनी है। यह हम आपको दिखाएंगे, बाड़ा साहब दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इलेक्शन सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं होता है, इलेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से हम जीत नहीं सकते। मैं इस मौके के ऊपर जो हमारी एक टीम, मसूद मेघदा साहब, यासिर भाई, हमारा इमरान, हमारे निसार चौधरी, नासिर सिद्दीकी साहब और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो लोग वहां पर गए, मुझे हैरानी हुई अय्यूब जागीरदार साहब की रहनुमाई के अंदर उन्होंने जितना वक्त निकाला वहां पे, मैं एक मर्तबा गया, मैं एक ही जलसा वहां पर लिया। लेकिन उस पूरे सफर के दौरान मैं ये सोच रहा था और वहां पहुंचने के बाद इन तमाम लोगों के लिए मेरे दिल में जो इज्जत बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है कि आप अगर सिल्लोर के रास्ते के ऊपर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि वो रास्ते की हालत क्या है। पूरा खड्डों से भरा हुआ रास्ता है, वहां पर पहुंचना, मेरे पास तो बड़ी गाड़ी थी, उस बड़ी गाड़ी के अंदर इतनी दिक्कतों के साथ मैं वहां पर पहुंचा, छोटी छोटी मारुति गाड़ी, छोटी गाड़ियों के अंदर बैठकर ये हर रोज वहां पर जा रहे थे। अपने लेवल के ऊपर इन्होंने मेहनत की है। इलेक्शन आएंगे, हम लड़ेंगे, हम कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। हमको लोगों ने कहा था कि हम दुनिया के अंदर इलेक्शन जीत ही नहीं सकते हैं, हमारा यूनिटी नहीं है वहां पर। लेकिन ये लोगों ने मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा हुआ कि हम उस जगह के ऊपर वहां पर अच्छी खासी सीटें हमने वहां पर लेकर आए। और अच्छी खासी सीटें ने हम वहां पर महज कुछ दिन पहले गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने कैंडिडेट्स वहां पर खड़े किए थे वहां पर करीब 35,000 वोट हम लोगों को वहां पर धुलिया में मिले। 35,000 वोट मामूली बात नहीं है कि एक शहर के अंदर हम जाते हैं चंद दिन पहले और वहां पर मेहनत होती है और 35,000 वोट हम वहां पर लेकर आते थे। औरंगाबाद से अब आप रहने दीजिए।